प्रिय प्रदेशवासियों, आप सबका सहयोग लगातार हमको कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में लड़ने के लिए मिल रहा है। मैं आपके साथ हर रोज अपनी बात को साझा करने की कोशिश करता हूं और आज भी मुझे आपको ये सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि टांडा मेडिकल कॉलेज में जहां एक व्यक्ति की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में जो लोग थे, परिवार के लोग थे, जहां उनका मिलना हुआ था, उन सब के आज सैंपल की रिपोर्ट अभी आई है, वो नेगेटिव पाए गए हैं। इस बात का हमको आपके साथ साझा करने में बहुत प्रसन्नता हो रही है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कोई भी मामला नया नहीं आया है। एक बात को लेकर के मैं जरूर आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से भी, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे नौजवान, हमारे भाई बहन हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, वो सब लोग चिंतित हैं और हम भी चिंतित हैं, परिवार के लोग भी चिंतित हैं, हम इस बात से सहमत हैं। वो सब लोग अपना घर आना चाहते हैं, जल्दी में हैं, परेशानी में हमसे संपर्क कर रहे हैं, परिवार से संपर्क कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इस दौर में उनकी परेशानी जो है वो जायज है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे दौर में आप सबका इतना बड़ा सहयोग जब मिला है, कुछ वक्त के लिए और इंतजार करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपका सुरक्षित रहना इस महामारी से ये बहुत आवश्यक है। आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी सुरक्षित रहना इस बीमारी से वो भी बहुत आवश्यक है। इसलिए इस दायित्व का पालन करें, जहां हैं कुछ वक्त वहीं रुकें, आवश्यक चीजों की जहां आपको जरूरत है उसमें जो सहयोग करने की बात हो सकती है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे नौजवान जो बद्दी में, नालागढ़ में नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो चंडीगढ़ में पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हिमाचल प्रदेश से बाहर अपना काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, वो अपने घर में आना चाहते हैं, परिवार के बीच में रहना चाहते हैं, परिवार में आप सबका स्वागत होगा। हम आपको इस बात को लेकर के जरूर निवेदन करना चाहते हैं कि इस दौर में अभी कुछ दिन रुकने की आवश्यकता है। जहां हैं वहीं आप रहें और हम आपके मदद के लिए जो भी संभव कोशिश की जा सकती है वो करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग जो बाहरी प्रदेशों से यहां लेबर का काम करने के लिए आए हैं, उनसे मेरा इस बात के लिए निवेदन है कि वो अनावश्यक रूप से अपने घर की तरफ जाने की बात जल्दी में ना करें। हम उनकी व्यवस्था, उनकी चिंता स्वयं कर रहे हैं सरकार के स्तर पर, उनके राशन की, उनकी दवाई की, उनके रहन सहन की सारी चिंता सरकार सुनिश्चित कर रही है, और उसमें मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि वो सहयोग दें, मदद करें। एक बार फिर से मेरा विनम्र निवेदन उन सभी भाई और बहनों से है जो खास तौर से बद्दी बरोटी वाला, कालाम में, चंडीगढ़ में अपने परिवार से दूर रह करके कामकाज के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां पर गए हैं, वो वहीं रहें, वहीं सुरक्षित हैं, और घर आने की जिद इस दौरान फिलहाल कुछ दिन तक ना करें, ताकि उनका परिवार भी सुरक्षित रहे, वो भी सुरक्षित रहे, और उनके लिए जो भी आवश्यक चीजों की आवश्यकता है वो हम वहीं पर ही मौजूद परिस्थितियों में करने के लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में हमने होम डिलीवरी का भी प्रावधान किया है। बहुत सारे स्थानों पर हमारा होम डिलीवरी का, राशन का और जरूरी सामान का पहुंचाना जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन इसमें आप सबके भी सहयोग की आवश्यकता है, और व्यापारी वर्ग, उनसे भी हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है, उनके भी सहयोग की आवश्यकता है, वो भी सहयोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सबके सहयोग से इस दिशा में आगे बढ़ करके आपकी परेशानियां, सामान को लेकर के जो चिंता आपकी हमेशा बनी रहती है, उसका समाधान निश्चित रूप से करने में हम सफल होंगे। आप सबके सहयोग से कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम आगे बढ़े हैं। आपका सहयोग और समर्थन हमको जिस प्रकार से हर कदम पर मिल रहा है, ये कायम रहेगा आने वाले समय में भी। ऐसे विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।